पाकिस्तानी मॉमी नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आराबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सुबह और एक नए दिन का आगाज करते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ किचन क्लीनिंग के साथ। सफाई वगैरह के बाद लगी मुझे भूख, तो मैं बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता। और ये मैं कल लेके आई थी वीगन जो है गोश्त सा।
आज मैं बनाऊंगी आलू के समोसे। बच्चों की फरमाइश पे मैंने लिए हैं 5 बड़े आलू। मैं बनाने लगी हूँ समोसा चाट। उसके लिए बनाएंगे फ्रेश जो है आलू के समोसे। यहाँ मैंने काटा थोड़ा सा फ्रेश धनिया। और जी ये देखें कितने खूबसूरत हमारे आलू हैं। इनमें मैंने लिया है कुटी लाल मिर्चें, सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, अनारदाना पाउडर, चाट मसाला, जीरा और नमक, और थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने आलू को जो है हाथों से मैश कर लिया है। आप इसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखेंगे। और अब क्या ऐड कर देंगे, काफी सारा धनिया। माशाल्लाह, इट्स लुकिंग यम्मी। यहाँ हम बनाएंगे समोसों का आटा। और मैं ले रही हूँ 500 ग्राम मैदा। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, दो टीस्पून जीरा, और 1 टीस्पून नमक। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम मक्खन, 100 ग्राम मक्खन। और इसको हम बीच में मसल लेंगे अच्छे से। अच्छे से मैंने मक्खन को बीच में मसल लिया है। और जब आपका ये एक मुट्ठी सी बन जाए तो समझे कि आपका मक्खन जो है आपने बिल्कुल ठीक ऐड किया, उतना ही होना चाहिए। और अब हम इसे गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और एकदम से सारा पानी आपने ऐड नहीं करना। तकरीबन मेरा आधा कप पानी लगा है। थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने ऐड करना है। और देखें कितनी ही प्यारी सी ये डो बन गई है। मतलब ये ना तो इतनी ज़्यादा सख्त होगी और ना ही इतनी ज़्यादा नरम होगी, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि आपका मेहनत लगे आपके जो है समोसों की रोटियां बनाने में। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त समोसे तैयार हैं।